हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब तो हम पढ़ रहे थे क्लास इलेवन फिजिक्स का चैप्टर थर्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इंस्टेनियस स्पीड एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिफ्रेंसीसन जो कि एक मैथमेटिकल टूल था कि भाई आपके पास कोई एक क्वांटिटी है कोई एक इक्वेशन है कैसे आप उसको डिफ्रेंसीट करेंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जिसमें हमने देखा था कि डिफ्रेंसीसन क्या है दैट इज स्लोप ऑफ वाई वर्सेज एक्स आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स ये क्या चीज़ होगी ये होगा इंटीग्रेशन ये भी आपका एक मैथमेटिकल टूल है और जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर अबाउट आपकी फोर टू फाइव जो चैप्टर्स है कंप्लीट चैप्टर्स वो डिपेंड होंगे इंटीग्रेशन के ऊपर तो वहां तो आपको इन डिटेल पढ़ना है पर हम उतना एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको नहीं पढ़ने वाले हैं जितना हमें इस फिजिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है इलेवंथ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम लेवल पर पढ़ेंगे कुछ फार्मूलाज यहाँ पर मैं आपको दूंगा उन फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लेना अपना काम है वो हो जाएगा फिर भी अगर कुछ कंसेप्ट बीच में बचेगा तो फिर हम जैसे जैसे इस चैप्टर को यानी या, या

देखो हमने डिफ्रेंशिएसन करना सीख लिया है कि जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ हो एस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर ये हमारे पास गिवन है अगर हमें इसका डिफरेंशिएसन करना हो भाई ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा तो हम डिफरेंशिएसन अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एस बाई डी एक्स वैसे टाइम के रेस्पेक्ट में होता है आ, क्योंकि आ, अगर हमें आप निकालना है यहाँ से वेलोसिटी तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकलेगी तो चेंज ऑफ डिस्प्ले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना ऐसा होता है तो एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर ले लेते हैं इस टर्म को तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ भी टी लेना पड़ेगा डी एस बाय डी टी और फिर हो जाएगा यहाँ से क्या हो, होगा देखो एक्स की पावर एन तो टू नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर टू माइनस वन तो ये हो जाएगा टू और टी की पावर टू माइनस वन लिखो या मत लिखो क्योंकि वन ही आने वाला है फाइनली तो ये आपके पास आ जाएगा मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट से क्या फाइंड आउट कर लिया ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये आपके पास था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और इससे आपने फाइंड आउट ये क्या किया अगर आपको याद हो तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस मतलब आपने वेलोसिटी इससे फाइंड आउट कर ली लेकिन अगर मैं आपको दूं कि ये जो वेलोसिटी है अब देखो आपको वेलोसिटी दे दी गई है टू टी ये आपको दे दिया गया है वेलोसिटी टू टी क्या आप इससे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं आप इससे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे वेलोसिटी गिवन है पर इससे आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमने इस टर्म का क्या किया हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया जो हमने पिछले एक वीडियो को अगर आप छोड़ देंगे तो ऊपर उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो पूरी देख लीजिए उसके बाद इसको देखिए तो डिफरेंशिएशन हमने किया और ये आपके पास आया डी एस बाई डी टीव टू टू टी आपके पास वेलोसिटी आ गई लेकिन अगर मैं आपको वेलोसिटी दूं तो क्या आप उस वेलोसिटी से आप निकाल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट आप नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए ये जो मैथमेटिकल टूल है इंटीग्रेशन ये आपको चाहिए ये इसकी नीड है ये इसकी रिक्वायरमेंट है समझे इसको रफ करता हूं डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया देखो डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या स्लोप और मैंने कहा था ये चीज इंपॉर्टेंट है जब ये वीडियो था हमारा तो स्लोप ऑफ वाई वर्सेज एक्स यही था स्लोप ऑफ वाई वर्सेज एक्स और जो इंटीग्रेशन है वो अब क्या होगा एरिया एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स घबराओ मैं तभी समझा दूंगा ये क्या टर्म मैंने लिखी है इसमें मैंने लिखा स्लोप ऑफ वाई वर्सेज एक्स यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स समझना दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएसन क्या है जब आप स्लोप निकालना चाहोगे ग्राफ के अंदर से y वर्सेज x तब आपको ये काम आएगा आपको स्लोप निकालना ही पड़ेगा बेसिकली डिफ्रेंशिएसन का मतलब ही स्लोप है जैसे यहाँ पे आपके पास ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस अब ये मेरे पास मुझे एक स्लोप निकालना है तो ये थीटा मतलब टेन थीटा मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिएगा? तो मुझे dy dx निकालना पड़ेगा लेकिन अगर मुझे चाहिए y x, जैसे इसी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यहां से, से ड्रा कर देता हूं तो क्या ये एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे yes, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं लेकिन अगर इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बदल दूं, चलो अगर ये रेक्टेंगल होता मेरे पास रेक्टेंगल होता तब भी आप फाइंड आउट कर लेते लेकिन अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा सा इस तरह की डिज़ाइन कर दी जाए अब देखो ये कर्व हो गए अलग अलग टाइप के कर्व हो गए आपके पास अब मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ तक का एरिया मुझे फाइंड आउट करके बताओ आप यहाँ तक का एरिया मुझे फाइंड आउट करके बताओ तो क्या आप ये एरिया फाइंड आउट कर पाओगे अगर आप इसको एक ट्राइंगल भी लेते हो देखो अगर आप इसको एक ट्राइंगल भी लेते हो तो आप ये वाला एरिया तो फाइंड आउट कर लोगे इजीली, लेकिन ये वाला जो एरिया बचा ये कौन फाइंड आउट करेगा ये तो हो नहीं पाएगा आपसे अगर आप इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में तोड़ते हो ये भी एक मेथड होता है एक रेक्टेंगल भाई कैलकुलेशन में आप हर तरह की चीजें ट्राई करोगे तो ये रेक्टेंगल में तोड़ दो और एक ट्राइंगल में तोड़ दो तब भी कुछ एरिया यहां पे ऐसा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली exactly आप एक इस लाइन को बिल्कुल इसके पास भी खींच लो तभी भी कुछ ना कुछ एरिया आपके पास ऐसा बचेगा जो एरिया आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो ये जो एरिया है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो इसीलिए मैंने बोला देखो एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स तब आपको जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की ठीक है अब कैसे इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं देखो इसको रफ करता हूं एक बार आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं तो हमारा जो ग्राफ है उसको रीडिजाइन कर देते हैं ठीक है ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस और ये हमारा एक कर्व वाला जो ग्राफ है वो हो गया है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कितना ये पूरा एरिया हमें किसी ने बोला है कि आप फाइंड आउट करके बताओ ये एरिया हमसे पूछा गया है तो अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे हम इस पूरे एरिया को हम छोटी 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 छोटी, -छोटी स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में इनको बांट लेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिया ये एक कोई पीस ले लिया है ये छोटी सी एक स्ट्रिप है ठीक है ये बहुत एक छोटी स्ट्रिप है पतली सी स्ट्रिप है तो ये वाली जो डिस्टेंस है अब एक किस पे है पे है तो इस साइड देखो यहां से तो x का भी जीरो है और y का भी जीरो है इधर यहां पे इस सिचुएशन पे तो दोनों जीरो जीरो हैं इधर x में कुछ ना कुछ मैं चला हूं तो ये वैल्यू x की वैल्यू है कितनी है जब आप एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो मैंने आपको सिखाया है dx लेते हैं तो ये आप लेंगे यहां से dx अगर ये ग्राफ टाइम वर्सेज वेलोसिटी होता तो ये डी हो जाता ठीक है ये जो पूरा है देखो वाई है तो इसको मैं मान लेता हूं देखो इसको मान लेते हैं वाई वन ठीक है तो ये तो मैंने एक स्ट्रिप को लिया ठीक है और ये स्ट्रिप है वो एक रेक्टेंगल की तरह से काम करेगी देखो ये जो एक स्ट्रिप है वो एक रेक्टेंगल की तरह से काम करेगी ठीक तो ये है आपकी एक स्ट्रिप जिसकी जो ये थिकनेस है तो कितनी है dx और यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है वाई वन तो अगर इसका एरिया आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा वाई वन डोट डीएक्स ये आपको करना पड़ेगा देखो दोनों को मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं लेंथ लेंथ ब्रेथ ऐसे ही करते हैं तो वाई वन इंटू डी एक्स ये आपको करना पड़ेगा लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स को भी अगर आप डिवाइड कर दोगे मतलब ये जो पूरा एरिया है ऐसी छोटी 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 स्ट्रिप को भी अगर आप ले लेते हो कितनी भी स्ट्रिप आप बना लो तीन चार पाँच एन स्ट्रिप आप बना लो तब भी आप पूरा एरिया डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पर मान लो यहाँ पे, यहां पे दूसरी स्ट्रिप है ठीक है तो थोड़ा एरिया यहाँ पे भी बच जाएगा ये एक और मान लो तीसरी स्ट्रिप है तीसरी स्ट्रिप है ठीक है तो थोड़ा एरिया आपके पास यहाँ पे भी बच जाएगा तो वो जो एरिया है जिसको आप देखो यहाँ तो बिल्कुल फ्लैट है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऊपर वाली जगह पे इतना मान लो इतना एरिया आपने निकाला यहाँ आपने तो इतना एरिया कवर किया ना यहाँ तक इतना एरिया कवर किया ये जो ऊपर वाला एरिया है ये बच गया है क्योंकि आपने तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया जैसे ये तो फर्स्ट हो गया आपने अगर मान लो ये दूसरी ली है तो इसको मैंने इसको डी ले लेते हैं और यहाँ पर इसको ले लेते हैं वाई इसके लिए वाई ले लेते हैं इसके लिए वाई ले लेते ले हैं तो ऐसे ही क्या आ जाएगा जैसे कि यहाँ आ जाएगा y2 डोट डीएक्स दूसरी स्ट्रिप के लिए तीसरी स्ट्रिप के लिए क्या आ जाएगा वाई थ्री डोट डी एक्स फर्स्ट स्ट्रिप सेकेंड स्ट्रिप और थर्ड स्ट्रिप तीन स्ट्रिप टोटल हमारे पास है ऐसे ही मान लो इसमें कितनी भी स्ट्रिप सो स्ट्रिप अगर इसमें बन गई तो सभी जो स्ट्रिप है उनके एरिया को आप जोड़ दो तो टोटल एरिया देखो सभी स्ट्रिप उनके एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा एरिया जो एरिया हमें चाहिए एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट uh, स्ट्रिप क्या है देखो वाई वन डॉट डी एक्स वाई वन डॉट डी एक्स प्लस दूसरी का क्या है वाई टू डॉट डी एक्स वाई टू डॉट डी एक्स प्लस तीसरी का क्या है वाई थ्री डॉट डी एक्स तो इन सभी को हम जोड़ रहे हैं y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ऐसे सो होती तो सो को पूरीओं को जोड़ देते और इसके लिए हम क्या लेते हैं समयसन लेते हैं तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समेसन ये आपका आ जाएगा ना एरिया तो ऐसा जब ऐड होता है तो ले सकते हैं अच्छा मान लेते हैं ये वन से स्टार्ट करी है हमने एन इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास वन है और मान लो एन इक्वल्स टू हम एन तक चले गए हैं समझ गए और यहाँ पे जो वाई है तो वाई यहाँ पे वन टू थ्री लिखने से अब कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे मैंने डाल दिया है वन से लेकर के एन चाहे सौ तक हूँ वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई, वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स हंड्रेड तक हों या एन तक हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई एन डॉट डी एक्स तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे देखो एरिया को इस तरह से आप इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे ठीक है लेकिन जो ये एरिया आया है वो टोटल उन्हीं स्ट्रिप का आया है जिन स्ट्रिप को हमने डिवाइड कर लिया है मैंने बताया कि अगर ये पूरा जो एरिया था इसको मैंने अगर सो स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया तब भी उसके बाद भी मेरे पास ऊपर कुछ एरिया ऐसा है देखो अगर यहाँ तक मैंने निकाल लिया तो ये एरिया ये वाला एरिया ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया मैं नहीं निकाल पाया क्योंकि मैंने सिर्फ रेक्टेंगल के हिसाब से इनका एरिया है वो राइट डाउन किया था तो अब इसके लिए मैं क्या करूं तो इसके लिए देखो हम लिमिट लगा देंगे अब यहाँ ये सैम्बल होता है इंटीग्रेशन का अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन का सेम्बल होता है लिमिट हमारी क्या है देखो एन इक्वल्स टू वन अब यहाँ पे डी एक्स एक्स की वैल्यू हम लेंगे वन तो एक्स इक्वल्स टू ले रहे हैं वन और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एन मान लो हमारे पास यहाँ पे तीन थे देखो वन टू और थ्री तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स की वैल्यू थ्री यहाँ एक्स इक्वल्स टू तो थ्री और यहाँ इक्वल्स टू वन और एरिया क्या है वाई डॉट डी एक्स तो ये हमारे पास आ गया वाई डॉट डी एक्स तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है समझ गए तो हमारा काम स्मेशन से जब बन नहीं पाया तो एरिया हमारा क्या हो गया देखो इसको लिख देता हूं यहां एरिया एरिया तो ये है हमारा एरिया इस फॉर्मूले से अब फाइंड आउट होके आ जाएगा तो मतलब हमें हेल्प लेनी पड़ी वो किसकी लेनी पड़ी हमें इंटीग्रेशन की हेल्प करनी पड़ी तो यहां से देखो हमने x इक्वल्स टू वन से स्टार्ट किया x इक्वल्स टू या जीरो से आप स्टार्ट कर दो आपकी मर्जी है वन टू थ्री जितना आपको क्वेश्चन में लिमिट दी हुई हो मतलब आपको एक तीन स्ट्रिप यहां से वन से थ्री का मान लो यहाँ वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव सिक्स कहां तक आपको जाना है एक्स के अंदर ये आपको ध्यान रखना है वाई तो आई जाएगा मतलब वाई आपको कहां तक एक्स में लेना है इसलिए मैंने बोला कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स ये मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स व्हाट इज इंटीग्रेशन सो दिस इज एरिया ऑफ y वर्सेज एक्स एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स यही होता है इंटीग्रेशन तो जब जब आपको एरिया निकालने की रिक्वायरमेंट होगी और आप जब एरिया नहीं निकाल पाओगे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी नाइन्थ क्लास में आपने देख के भी आए होंगे कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती थी जब हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते थे तो तब आप यूज़ करोगे किसका इंटीग्रेशन का तो एलेवंथ में आ चुके हो सिलेबस को इन्जॉय करो अभी स्क्रीन लो फिर देखो क्वेश्चन करते हैं अभी तक आपने ये समझा कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है और इंटीग्रेशन क्या है अब आपको चाहिए फॉर्मूला अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा जैसे हमने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स का क्या होता है कोसेक का क्या होगा कोट का क्या होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स की पावर एन हो गया ना वो तो उनका सभी का तो ऐसे अब आपको फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो फॉर्मूलाज अब हम स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले यहाँ आपके पास फॉर्मूला आ रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एन अगर आपको ऐसा मिलता है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n अगर इंटीग्रेशन आपको करना होता था तो आप क्या लिखते थे dy वाई बाई डी एक्स जिन्होंने इंटीग्रेशन वाला मेरा वीडियो देखा है वो जानते होंगे आप क्या लिखते थे dy वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू आपको लिखना था n डोट एक्स की पावर n माइनस वन ये फॉर्मूला होता है इन ये डिफ्रेंशिएशन के लिए था पर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अब अलग होगा इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा देखो y इक्वल्स टू एक्स की पावर n x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये हमारा सिंबल आया इंटीग्रेशन के लिए और ये y आ जाएगा और किसके रिस्पेक्ट में करना है वाई डॉट डी एक्स इक्वल्स टू इसके इक्वल क्या लिखा हुआ है x की पावर n तो ये होगा x की पावर n x की पावर एन डॉट डी एक्स अब इसको सोल्व कैसे करेंगे इसको रफ कर देता हूं देखो इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन है हम तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो देखो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है y डॉट डी एक्स किसके लिए ये इंटीग्रेशन है हम ये निकाल रहे हैं इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन किसी का भी अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो आप ये निकालो y डॉट डी एक्स समझ गए तो देखो यहाँ x की पावर n है तो इसका फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस वन अपोन एन प्लस वन और प्लस हो जाएगा c ये आपके पास फॉर्मूला होता है और ये c क्यों आया क्योंकि ये इनडेफिनेट वैल्यू अनडिफाइंड वैल्यू आप ऐसे कह सकते तो इनडेफिनेट वैल्यू है इसकी वजह से यहां पे आया है प्लस सी तो पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया देखो अगर आपको ऐसा मिल जाए एक्स की पावर एन और कोई बोलता है उसका इंटीग्रेशन आप करो तो वाई डॉट डी एक्स वाई का तो क्या होगा वाई डॉट डी एक्स ये आपको निकालना ही है बेसिकली इंटीग्रेशन एक्स इसका क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन एन प्लस वन प्लस, वन प्लस सी क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू है इनडेफिनेट वैल्यू है मतलब ये वैल्यू है वो कितनी भी हो सकती है हम नहीं जानते हैं कि ये वैल्यू है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक होगी अगर यहीं पे लिमिट लगा दी जाए जैसे यहाँ पे मैं अगर लिमिट लगा देता कि जीरो से लेकर के फाइव अब ये वैल्यू डेफिनेट हो जाती तब ये जो प्लस सी है वो नहीं आता तो ये कॉन्स्टेंट हमें लिखना लिखना ही साथ में पड़ता है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट वैल्यू थी डेफिनेट होगा जब लिमिट्स आ जाएंगे लिमिट्स कैसे लगाते हैं वो भी आ, आ, आगे एग्जांपल्स के अंदर बताऊंगा क्वेश्चन करते हैं देखो तो यहां एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको दिया हुआ है y equals to x की पावर फाइव ठीक है और आपको बोला कि इसका इंटीग्रेशन निकालो तो आपको क्या करना है सीधा y.dx निकालना है देखो तो हमने लिखा y dx ये आपको निकालना है x की कितनी दे रखी है पावर फाइव और ये क्या होता है देखो एक्स की आप इसको लिख दो पहले तो एक्स की पावर फाइव डॉट डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है तो देखो क्या होगा एक्स की पावर फाइव का एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन मतलब एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन ये आ जाएगा ठीक है और प्लस आ जाएगा सी ठीक तो यहां पे आपके पास क्या आ गया वाई डॉट डी एक्स कितना आ गया वाई वाई की वैल्यू देखो ये दे रखी थी इसी का तो कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन तो देखो क्या आ गया की की पावर 6, x की पावर अपॉन प्लस सी ये हमारा क्या आ गया? आ गया गया आंसर समझ पाए होंगे इस फॉर्मूला को आप अगर यहां पे x की पावर सिक्स होती तो x की पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी आ जाता अगर x की पावर एट होती तो x की पावर नाइन अपॉन नाइन प्लस सी आ जाता वहां आप क्या कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन में x की पावर n माइनस वन ये कर रहे थे यहां पे आप क्या कर रहे हैं x की पावर n प्लस वन अपोन एन प्लस वन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है पहला फॉर्मूला हो गया ले सकते हो लेकिन इस फॉर्मूला की कुछ लिमिटेशंस हैं देखो अगर आपके पास आ जाए एक्स की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू अगर वन आ जाए एन की वैल्यू अगर वन आ जाए वो भी कैसा माइनस वन तो ये जो वैल्यू है अगर इक्वल है तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ऐसा होगा तब आपका ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा मतलब अगर आपको ऐसा दे दिया जाए y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस वन तब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कैसे करोगे देखो माइनस वन प्लस वन और अपोन हो जाएगा माइनस वन प्लस वन तो ये माइनस वन प्लस वन जीरो और जीरो से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर लोगे तो आप इन अनडेफिनेट वैल्यू आ जाती है आपके पास तो इसलिए अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे तब आप क्या करोगे देखो इसको एक्स को आप लिखोगे वन अपॉन एक्स ऐसा तो लिख ही सकते हो ना एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हो वन अपॉन एक्स लिखा जा सकता है और अब इसका डिफरेंसिएशन आप कर सकते हो तो देखो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है ये दूसरा फॉर्मूला ही आप इसको मान लेना बेसिकली दिस इज नॉट क्वेश्चन दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ओके ये सेकेंड टाइप का फॉर्मूला हो गया आपका तो वन अपॉन एक्स जब आपके पास आए तो उसका डिफरेंसिएशन देखो क्या होता है तो यहां पे आ जाएगा y डॉट डी एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स आप ऐसे लिख सकते थे एक्स की पावर माइनस वन डॉट डी एक्स पर इसको इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते एन प्लस वन वाले से तो अब इसको क्या करें देखो इसको इसका जो फॉर्मूला है अब याद करो जब डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा था तो लोग एक्स जब लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था वन अपॉन एक्स होता था तो अब ठीक अपोजिट है उसका ये तो वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा Log x हो जाएगा तो यहां से जो आपके पास आएगा वो होगा लोग और ई e होता है बेस और एक्स और इसका लोगे मोड और प्लस सी क्योंकि लिमिट नहीं है यहां पे जीरो टू वन फाइव टू सेवन कोई भी लिमिट नहीं है इसलिए इनडेफिनेट वैल्यू है इसलिए प्लस सी ले रहे हैं ये तो साथ लेना ही है इसको मत भूलना जब तक लिमिट ना हो लिमिट हो उस क्वेश्चन में आपको प्लस सी नहीं लेना है तो देखो लोग ई एक्स और एक्स के मैंने ये मोड क्यों लगा दिया क्योंकि लोग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और मोड लगाते ही जो वैल्यूज़ हैं वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी देखो वाई डॉट डी एक्स हमने किया इसका एक्स की पावर माइनस वन को हमने लिख लिया वन अपोन एक्स तो वन अपोन एक्स डॉट डी एक्स और इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो लोग एक्स आ गया लोग एक्स प्लस सी ठीक है वन अप लोग एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है वो वन अपोन एक्स आता है और वन अपोन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो लोग एक्स आता है एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है क्लियर है ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है अब इसका ही एक और क्वेश्चन लेते हैं देखो जिसमें लिमिट्स भी आपको गिवन हो देखो यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि वाई आपको दिया गया है वाई इक्वल्स टू गिवन है मान लो एक्स की पावर थ्री और x की वैल्यू आपको दे दी गई है कि x है वो कितना है x इज़ फ्रॉम फाइव टू टेन ऐसा गिवन है ठीक है तो ये क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन आप समझ चुके हैं इंटीग्रेशन व्हाट इज़ इंटीग्रेशन सो दिस इज एरिया ऑफ वाई वर्सेज एक्स ठीक है तो ये आपको निकालना है तो ये आपको फॉर्मूला दिया है तो आपको क्या करना है देखो वाई डॉट डी निकालना है तो देखो इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर क्यूब डॉट डी एक्स और जो लिमिट आपको गिवन है फाइव टू टेन उसको यहां लगा दो तो फाइव टू टेन बस खत्म अब कर दो देखो एक्स की पावर एन का क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन एन प्लस वन तो यहां पे हो जाएगा एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपोन थ्री प्लस वन ये हो गया और लिमिट आ जाएगी देखो फाइव टू टेन तो यहां पर आप लगाओगे लिमिट फाइव टू टेन ठीक है और प्लस सी इस बार आपको नहीं लगाना है ये मैं आपको समझा रहा था क्योंकि इस बार एक कैसी वैल्यू है डेफिनेट इस बार एक डेफिनेट वैल्यू है तो इसलिए आपको इस बार प्लस सी नहीं लगाना है ठीक है तो आप देखो इसको सोल्व करते हैं तो अब ये हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बस ये आपको करना होता है देखो इसको और एक टर्म और आगे लिख देते हैं एक्स की पावर यहां से हो गई फोर और अपोन में भी क्या हो गया थ्री प्लस वन फोर और लिमिट आपकी कितनी है लिमिट है फाइव टू टेन ठीक है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये लिमिट लगाने का तरीका है तो आपका वाई डॉ डी एक्स क्या जाएगा इक्वल्स टू देखो अपर लिमिट है एक्स की पावर तो एक्स की जगह पे एक बार तो टेन लिखेंगे अपर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन की पावर फोर और अपोन फोर माइनस माइनस क्या लगाओगे लोअर लिमिट अपर लिमिट तो आपने लगा दी एक्स की वैल्यू रख दी अब एक्स की जगह नीचे वाली लिमिट को रख दो तो ये हो जाएगा फाइव की पावर फोर और अपॉन हो जाएगा फोर और इसका जो भी आंसर आएगा वही आपका वाई डॉट डी एक्स होगा ठीक है तो क्या आ जाएगा देखो अब डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास अब डेफिनेट वैल्यू आपके पास निकल करके आएगी ये तो मैं बोल रहा हूं डेफिनेट तो इसलिए अब यहां पे प्लस सी लगाने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं तो इसका जो भी आंसर होगा दैट विल बी ए डेफिनेट वैल्यू ओके तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी लिमिट है अगर प्रजेंट है यहां पे कोई भी लिमिट आपको दी हुई है कि भाई एक्स है अगर यहां आप आ, वाई डॉट डी टी निकाल रहे होते मान लो यहां पे आपको दिया हुआ था टी की पावर क्यूब और आप उसका इंटीग्रेशन करते तो आप यहाँ क्या कर देते टी की पावर क्यूब डॉट डी टी उसी के रेस्पेक्ट में करोगे पहले भी बता चुका हूं तो उसी के रेस्पेक्ट में करोगे कि जितना जो आपको वैल्यू दी हुई है एक्स दिया हुआ है तो डी एक्स टी दिया हुआ तो डी टी यू दिया हुआ तो डी यू वी दिया हुआ है तो डी वी समझ गए तो यहां आप क्या कर देते हैं भाई टी की वैल्यू फाइव टू टेन थी तो यहाँ टेन फाइव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और जो आएगा वो आंसर होगा ठीक है तो डेफिनेट वैल्यू पे आप प्लस सी नहीं लगाते हैं जब डेफिनेट वैल्यू नहीं होती इनडेफिनेट होती तब आप प्लस सी का यूज करते हैं स्क्रीन ले लो एक और क्वेश्चन है देखो आपको दिया गया है वन टू टेन एक्स की पावर माइनस वन डॉट डी एक्स इसको सोल्व करके बताना है मतलब बेसिकली ये वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है ऐसे लिख दूं चाहे मैं कि बात है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर माइ एक्स माइनस वन और फिर आपको बता दूं कि भाई एक्स है वो क्या है वन टू टेन है बात तो वही है ना तो इसका मुझे क्या निकालना है ये देखो ये मेरा वाई के बराबर है आप ऐसा समझ लो तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखो वन टू टेन और इसको क्या लिख सकते हैं वन अपोन एक्स डोट डी एक्स और वन अपोन एक्स का क्या होता है लोग एक्स होता है तो इसको लिख देंगे लोग ई e, एक्स और लिमिट कितनी है देखो लिमिट है वन टू टेन तो ये हमने लिखा वन और ये लिखा टेन अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पहले लोग टेन आ जाएगा माइनस लोग वन आ जाएगा लोग टेन माइनस लोग वन ठीक है ये आ जाएगा वैसे लोग टेन की वैल्यू है वो वन ही होती है ठीक है लेकिन आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी कि भाई लोग टेन की वैल्यू है वो क्या है लोग क्या है लोग टेन की वैल्यू रख देना, देना माइनस लोग तो बस मैंने क्या किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इस तरह से एक definite value फिर से एक डेफिनेट वैल्यू फिर मेरे पास आ गई है और जब डेफिनेट वैल्यू आपको गिवन हो तब आपको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है फर्स्ट फॉर्मूला आपने देखा कि एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स कितना होता है ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू सी फर्स्ट फॉर्मूला सेकेंड फार्मूला आपने देखा कि वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स बात तो एक ही है ना यहाँ डी एक्स अपोन एक्स लिख दूँ या फिर मैं इसको लिख दूँ एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स तो इसका क्या होता है देखो लोग ई e और मोड एक्स और प्लस हो जाता है सी दूसरा फार्मूला तीसरा फार्मूला आपके पास होता है e की पावर x डॉट डी एक्स अगर आपको याद हो तो मैंने डिफ्रेंशिएसन करते वक्त आपको बताया था कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएसन e की पावर x ही होता है तो यहाँ पे मैंने बताया उसका अपोजिट है तो अगर इसका डिफरेंशिएसन e की पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन ए की पावर x ही होगा ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास ए की पावर x ए की पावर x एंड प्लस सी ठीक है ए की पावर एक्स प्लस सी सी तो साथ में आएगा क्योंकि ये भी अनडेफिनेट वैल्यू है फोर्थ डी एक्स के लिए तो सबको पता है एक्स प्लस सी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एक्स प्लस सी कैसे लिख दिया अरे डी एक्स अकेले dx का तो एक्स ही आएगा ना देखो यहां पे इसको समझ लो समझ लेते हैं देखो कैसे समझेंगे देखो यहां पे आपके पास है डी एक्स ठीक है ये हम निकाल रहे हैं कि डी है वो क्या आएगा तो यहां कुछ भी नहीं है तो यहां पे वन है आप समझ सकते हो ना या फिर इसको आप ऐसे मान लो x की पावर जीरो तो मैं लिख ही सकता हूं x की पावर जीरो x की पावर जीरो का मतलब वन ही होता है किसी की भी पावर जीरो का मतलब वन ही होता है और डॉट डी इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है तो अब ये फॉर्मूला लगा दो एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन एन तो क्या हो जाएगा देखो एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपोन जीरो प्लस वन और प्लस सी तो देखो क्या आ जाएगा x की पावर वन अपोन वन प्लस सी और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस सी ठीक है तो ये चीज है मतलब ये फॉर्मूला ये कुछ बेसिक बेसिक से फॉर्मूलाज हैं फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, है फोर्थ है ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं ठीक है, है? इस, इसके बीच लाइन बना देता हूं कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सेकेंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ तो ये जो फॉर्मूलाज हैं उनको आपको लर्न करना है और भी फॉर्मूलाज हम राइट डाउन करेंगे ठीक है साथ में अगर आपको नंबर्स भी दे दिए जाएं, साथ में अगर आपको नंबर्स भी दे दिए जाएं, तब तो आप क्या करोगे नंबर्स का मतलब कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी अगर आपको दे दी जाए जैसे यहाँ पे आपको दे दिया मान लो एक्स की पावर ये आपको दिया है टेन एक्स की पावर थ्री डोट डी एक्स ऐसा आपको दे दिया और बोला कि इसका इंटीग्रेशन करो ये लग गया इसका मतलब इंटीग्रेशन ही करना है ये लग गया डॉट डी एक्स लग गया मतलब इसका इंटीग्रेशन ये वाई इक्वल टू ये दिया है ये समझ जाओ चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ वाई इक्वल्स टू टेन एक्स की पावर थ्री तो भी मतलब वही है इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा टेन एक्स की पावर थ्री और डॉट डी एक्स तो वही आपको निकालना है तो देखो क्या होगा यहाँ से आ, जो उसको बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन में भी आपने ये किया था कि को तो चेंज नहीं करना है जाएगा और एक्स की पावर थ्री का कैसे करोगे एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपोन थ्री प्लस वन वही सेम फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला तो वही लगेगा ना देखो ये एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन एन प्लस वन फॉर्मूला थोड़ी बदल दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास टेन और ये एक्स की पावर थ्री प्लस वन हो जाएगा एक्स की पावर फोर और अपोन में कितना आ जाएगा यहाँ से फोर इसको काट लो तो काट सकते हो बाकी ये आपका आंसर हो गया है ठीक है तो अगर कॉन्स्टेंट आपको साथ मिल जाए जैसे मान लो ई की पावर एक्स के साथ कॉन्स्टेंट मिल गया तो ऐसा दे दिया ये मान लो एक क्वेश्चन था ठीक है ये एक और हमारा क्वेश्चन है ऐसा दे दिया ट्वेंटी ई e की पावर एक्स डॉट डी एक्स अब इसका डिफ्रेंसिएसन करके बताओ तो कुछ नहीं आएगा ट्वेंटी बाहर आ जाएगा तो ट्वेंटी तो ऐसे कैसे हो रही है कि पावर एक्स का तो ये की पावर एक्स ही होता है तो यही होगा और प्लस सी यही होगा आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस सी क्योंकि अनडेफिनेट वैल्यू है ठीक है समझ गए तो ये चीज़ें हैं बस आसान आसान चीज़ें हैं स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे और फार्मूलाज देखते हैं फोर फार्मूलाज हो गए थे फिफ्थ यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ अगर आपको निकालना हो देखो साइन एक्स के लिए साइन एक्स डॉट dx अगर ये निकालना हो आपको याद है आपने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब किया था तो कोस एक्स हुआ था और वो पॉजिटिव हुआ था तो अब यहाँ उसका अपोजिट होता है तो साइन का अगर कोस था साइन का अगर कोस था तो कोस का साइन हो जाएगा और लेकिन साइन का जब आपने किया तो पॉजिटिव था अब इसका नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा कोस एक्स और ये को, कैसा होगा माइनस कोस एक्स और प्लस सी साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी ठीक है नेक्स्ट फॉर्मूला ये फार्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे देखो इसका कोई आ, वो ही मैंने डिफरेंशिएशन में बात बोली थी वो इंटीग्रेशन में आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला है उसको लर्न कर लो ठीक है कोस एक्स है कोस एक्स डॉट डी एक्स अगर ये निकालना हो तो कोस एक्स का देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स और प्लस सी ठीक है सेवन सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स आ जाएगा एक्स प्लस सी आपको याद हो तो अगर टेन का डिफ्रेंसिएशन जब हमने किया था तो सेक्वायर एक्स आया था याद होगा तो वैसे यहां पर अपोजिट क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा भैया अपोजिट है एक दूसरे के डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ठीक है एट कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डोट डी एक्स सेक एक्स से x एक्स प्लस सी ठीक है सी सब में इसलिए लग रहा है पता ही होगा अनडिफाइंड वैल्यू है नाइन सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स डोट टेन एक्स डोट डी एक्स इसका अगर निकालना हो तो से ये आ जाएगा सेक एक्स सेक एक्स प्लस सी ठीक है सॉरी सेक एक्स प्लस सी फिर से वैसा ही हुआ पर कोई बात नहीं सेक एक्स देखो आप आपको याद हो तो जब आपने डिफ्रेंसिएशन सेक्स का किया था तो देखो क्या था सेक एक्स टेन एक्स आया था तो उसका अपोजिट अब एक्स एक्स का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो सेक एक्स आ जाएगा ठीक है यहां पे और राइट डाउन कर देता हूं देखो नीचे जगह है अभी टेन कोशेक एक्स कोट को एक्स कोशेक एक्स डॉट कोट एक्स और डीएक्स ये आ जाएगा कोसेक एक्स तो माइनस एक्स प्लस सी ठीक है माइनस कोशेक है ये कोशेक एक्स का जब आपने किया था तो माइनस कोशेक एक्स डॉट कोट एक्स आया था डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा माइनस इधर था तो इधर ट्रांसफर हो गया ठीक है फिर इलेवन टेन एक्स टेन एक्स डॉट डी अगर ये निकालना हो तो इसका होता है लोग सेक एक्स ठीक है तो लोग सेक एक्स प्लस एक और होता है और माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी ये दो फॉर्मूलाज होते हैं लोग सेक एक एक्स भी होता है और लोग कोस एक्स भी होता है माइनस लोग कोस एक्स तो जब आपको जैसी जरूरत हो वैसा आप लिख सकते हैं इलेवन फिर ट्वेल्व कोट एक्स कोट एक्स डोट डी एक्स क्या हो जाएगा देखो लोग साइन एक्स लोग साइन एक्स प्लस सी ये हो जाएगा लोग साइन एक्स प्लस सी थर्टीन सेक एक्स सेक एक्स डीएक्स हो जाएगा लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी ठीक है आई होप आपको दिख रहा होगा लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स सी देखो यहाँ सेक एक्स टेन एक्स का क्या था वही डिफ्रेंशिएशन जब आपने किया था तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्या था आपके पास लोग सेक एक्स था तो बस वो लोग ट्रांसफर हो गया है फोर्टीन cosec एक्स डी एक्स माइनस लोग माइनस लोग x एक्स प्लस कोट एक्स और प्लस सी ठीक है तो ये है सिंपल और ये सारे फार्मूलाज़ हैं ठीक है और कन्फ्यूज़न आपको क्लियर होना ही चाहिए इनके बीच ठीक है लर्न करने हैं बेसिकली आपको लाइन क्रिएट कर देता हूँ ठीक है ताकि आपको पता चल जाए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो ठीक है और यहाँ पे भी तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं ये आपको बेसिकली लर्न करने हैं तो इनको लर्न कर लेना स्क्रीन ले लो और राइट डाउन कर लेना अपने फेयर नोटबुक के अंदर अब आता है देखो एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यानी अगर आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे ठीक है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तब क्या होगा देखो तो वो चीजें हम देख रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए एडिशन और सब्टशन एडिशन और सब्टशन इसके लिए देख रहे हैं ठीक है अगर प्लस में आपको मिल जाए वैल्यू माइनस में आपको मिल जाए तब क्या होगा देखो तो इसके लिए सबसे पहले y के इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन है एक उन फॉर्मूलाज का यूज बेसिकली हमें करना है तो y इक्वल्स टू देखो दिया गया है e की पावर x प्लस एक्स की पावर थ्री ठीक है थ्री बहुत हो गया फोर ले लेते हैं ये आपको दिया गया है और इसका बोला कि आप इंटीग्रेशन करके बताओ तो आपको क्या निकालना है देखो आपको निकालना है y डॉट dx एक्स इक्वल्स टू तो देखो इसको अलग अलग करके लिख देंगे सेपरेट सेपरेट ठीक है इसको अलग लिख देंगे इसको अलग लिख देंगे पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी सेम ऐसा करेंगे मतलब बीच में अगर सब्टेक्शन होगा माइनस होगा तो इसको अलग अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे कैसे पहले इसको लिख दो e की पावर x डॉट डी और फिर प्लस लगा के दूसरे ही को लिख दो प्लस और x की पावर फोर डॉट डी समझ गए होगे देखो ये अगर हम निकालते हैं क्या आ जाएगा e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है और प्लस x की पावर फोर का क्या होता है x की पावर फोर का मतलब x की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन फोर प्लस वन अपोन फोर प्लस वन एक्स की पावर फाइव और अपोन फाइव यही होता है और प्लस दो बार आपको c लगाने की जरूरत नहीं है एक बार में काम चल जाएगा तो प्लस c तो x e की पावर x प्लस एक्स की पावर फाइव अपोन फाइव तो ये क्या था देखो अगर यहां पे तीन वैल्यू होती वन टू और थ्री प्लस ती, तीसरा और होता तो यहां प्लस तीसरा और आ जाता है एक बार इसको लिखते एक बार इसको और एक बार तीसरे को और लिख लेते ठीक है तो सिंपल है अगर आपको एडिशन करना हो तो आपको पता चला होगा भाई कैसे करना है एक और क्वेश्चन ले लो अगर आपको दिया गया हो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स वाई इक्वल्स टू अगर ऐसा दिया हो ठीक है इसको सोल्व करते हैं तो क्या निकालना है आपको आपको निकालना है वाई डॉट डी एक्स ठीक है एक्स स्क्वायर है इसको अलग लिख लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इसको अलग लिख लो अलग अलग करके लिख लो बस ये हो जाएगा डी एक्स अपोन एक्स थोड़ी देर पहले बताया था वन अपोन एक्स आप यह लिख दो वन अपोन एक्स डॉट डी एक्स या डी एक्स अपोन एक्स लिख दो बात तो एक ही है यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिख दूँ वन अपोन एक्स डॉट डी एक्स तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा इसमें बस देखने देखने का अंतर है आंखों का तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपोन थ्री प्लस ये वन अपोन एक्स का लोग एक्स होता है तो लोग मोड एक्स और प्लस हो जाएगा सी सो दिस इज आंसर ठीक है यहां पे ये हमारा आंसर था तो आई होप आप समझे होंगे कि एडिशन जब हो और सेम सब्ट्रैक्शन में भी होता है सब्ट्रैक्शन में भी अगर यहां पे माइनस लगा दूँ, ये लो तो यहां पे माइनस लगा देना तुम यहां पे अगर माइनस हो तो तुम यहां पे माइनस लगा देना समझ गए ना स्क्रीनशॉट ले लो फिर है देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन ये अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तब क्या करेंगे देखो मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो इसके लिए जो मेथड होता है उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्ट्स ये इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन ये जो मेथड है ना भाई मल्टीप्लिकेशन में जब आपके पास दो टर्म होंगे और उनका आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रख लेना ठीक है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अच्छा साथ में इसको यूवी मैथड जो आपने जब डिफ्रेंसियन किया था तो यूवी मैथड आपने यूज किया था और कब यू लेंगे किसको यू लेंगे और किसको वी लेंगे वो भी आपको बताऊंगा तो देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके लिए अगर आपको दिया गया हो देखो एक्स डोट साइन एक्स और डीएक्स और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करके आप बता दो तो देखो एक तो एक्स हो गया एक साइन एक्स और डॉट डी एक्स एक को यू लेना पड़ेगा और एक को वी लेना पड़ेगा ठीक है तो एक यू है और दूसरा वी है तो देखो ऐसे लिख देंगे यू डॉट वी और ये हो जाएगा डीएक्स ठीक है यू वी डीएक्स लिख दो सीधा डॉट क्या तो आ, है तो मल्टीप्लाई में अच्छा इसके लिए करोगे तो सबसे पहले यू को बाहर रख लो डिफ्रेंशिएशन जब आपने किया था तो यू वी मेथड में हमने पहले यू को बाहर रखा और फिर वी का कर दिया था प्लस फिर वी को बाहर रखा और फिर यू का डिफरेंशिएशन कर दिया था यहां थोड़ा ऐसा नहीं है देखो अब यू को बाहर रखा और वी के लिए कर देंगे तो वी हो जाएगा वी डी एक्स ठीक है ये हो गया देखो यू को हमने बाहर निकाल लिया और वी के लिए कर दिया वी डी एक्स अब यू का डिफ्रेंसी करेंगे माइनस माइनस लगाना है फिर देखो यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या लिखेंगे डी यू अपोन डी एक्स ये बात समझ पा रहे हो ना ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इंटीग्रेशन नहीं हो रहा इंटीग्रेशन होगा पूरी टर्म का जो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा उस पूरी टर्म का होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा du यू अपॉन डी एक्स का जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफ्रेंशिएसन करना है अंदर कौन था देखो वी डी इस पूरे को ऐसा का ऐसा लिख दो तो ये हो जाएगा वी डोट डी और इस पूरे का फिर क्या लगा देते हैं देखो इस पूरे का लगा देंगे डी इस पूरे का हमने लगाया डी समझ रहे हो देखो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया हमारा इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना अभी देखो क्या किया हमने हमने एक को लिया यू और एक को लिया वी यू और वी कैसे डिसाइड करते हैं ये बात हम करने वाले हैं लेकिन पहले देखो यू को आपको लिखना है और वी को लिखना है और डी एक्स ये आपको निकालना है यू वी डी एक्स निकालना है भाई एक एक्स हो गया एक साइन एक्स हो गया यहां पे यू वी हमने ले लिया तो यू को बाहर लिख लिया यहां पे एक्स को हमने यू लिया है तो एक्स को बाहर रख लेंगे फिर साइन एक्स का कर देंगे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो जाएगा ठीक है और उसके बाद माइनस माइनस लगाएंगे फिर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x की पावर n माइनस वन ठीक है x n डॉट एक्स की पावर n माइनस वन ठीक है फिर उसके बाद क्या करोगे v डॉट डी एक्स वी डॉट डी एक्स मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन तुम्हें दोबारा से करना है देखो यही चीज यही सेम चीज साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोश एक्स और फिर जो आएगा उस पूरे का आपको क्या करना है एक बार इंटीग्रेशन करना है तो आपने u को बाहर रखे v का इंटीग्रेशन किया फिर आपने u का डिफरेंशिएशन किया v का यहां क्या किया v का आपने इंटीग्रेशन किया और उसके बाद डीएक्स लगाया फिर जो इन इनसे जो पूरा आया उसका फिर से आपने इंटीग्रेशन किया देखो एक्स, एक्स साइन एक्स एक्स ये है हमारे पास यू डॉट वी एक तरह से हमने इसको यू लिया इसको वी लिया तो यहां देखो क्या आ जाएगा यू को पहले रखो एक्स को बाहर रखो फिर देखो वी डॉट डी एक्स यानी साइन एक्स का करोगे तो यहां पे आपने लिखा साइन एक्स और डीएक्स और मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोश एक्स होता है अब इसके बाद देखो माइनस लगाना है ठीक है उसके बाद देखो क्या करना है डी यू अपॉन डी एक्स यानी एक्स का यू हमारे पास क्या था एक्स था तो एक्स का हमें क्या करना है अब डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन करना है डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन माइनस वन ये जीरो एक्स मतलब एक्स का बेसिकली वन ही होता है आपको पता ही होगा पिछले वीडियो में को अगर आपने देखा है तो वन डोट चलो इसको ऐसे लिख देते हैं डीएक्स पहले लिख देते हैं डीएक्स अपॉन डीएक्स डी यू की जगह यू की जगह हमारे पास क्या है एक्स है तो इसको रख दिया अब इसके बाद क्या होगा देखो वी तो ये हमारे पास वी है वी हमारे पास साइन एक्स है तो इसको हमने लिखा साइन एक्स साइन एक्स डोट डी एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स डी एक्स उसके बाद कंप्लीट का क्या करना है डी एक्स तो देखो इसको सोल्व करते हैं ये बीच में आपका फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हमने ये चीजें करी हैं और ये बीच में हम यहाँ पे एरो लगा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए ये फॉर्मूला है ठीक है ठीक अब नीचे यहां पे इसको आगे कर रहा हूं देखो क्या हो जाएगा देखो x तो ऐसे का ऐसे और इसका होता है माइनस कोश एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स का माइनस कोश एक्स होता है फिर माइनस ऐसे कैसे और यहां से साइन एक्स का क्या होगा देखो इसका तो वन होगा डीएक्स बाई डी एक्स तो क्या होगा वन होगा तो ये हो जाएगा आपके पास वन वन डोट और यहां पे आ जाएगा साइन एक्स का माइनस कोस एक्स और माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा कोस एक्स और डॉट डी एक्स यहां पर माइनस कोस एक्स था माइनस में बाहर ले आया तो माइनस मेरा क्या हो चुका है देखो प्लस हो चुका है ठीक है और प्लस क्या आ जाएगा सी प्लस सी तो आएगा ना साथ में क्योंकि लिमिट नहीं दी हुई है अब यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस कोस एक्स cos एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और कोस एक्स का क्या होता है कोस एक्स का होता है साइन एक्स भाई इस वन को लगाओ मत लगाओ बराबर बात है साइन एक्स और प्लस सी दिस इज आंसर आप समझ पाए देखो मल्टीप्लाई में था एक यू था दूसरा वी था एक को यू लिया दूसरे को वी लिया और आप समझ लेते हैं इनलेट मेथड से कि भाई कैसे यू और वी को आप डिसाइड करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक एग्जांपल हो गया है आपका अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई में बात है हाउ सिलेक्ट हाउ टू सिलेक्ट यू एंड वी तो यू और वी को कैसे सिलेक्ट किया जाए ठीक है ये हमारा वैसे कोई टॉपिक नहीं है ये लेकिन वैसे ही बस एक सोट्रिक है वो हम आपको बता देता हूं देखो इलेट तो ये है अब I है इसका मतलब क्या है देखो यहां पे लिख देता हूं सभी के लिए आई इक्वल्स टू इनवर्स फिर है एल एल का मतलब क्या होता है देखो एल इक्वल टू लोग फिर तीसरा दिया हुआ है ए ए का मतलब एलजब्रा एल उसके बाद टी का मतलब दिया हुआ है देखो टी टी है टी हो जाएगा टिग्नोमैट्रिक टिग्नो मैट्रिक टिग्नोमैट्रिक उसके बाद देखो E है ई क्या होगा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल अब इसका मतलब समझ लो देखो ये I है पहला वर्ड क्या है I? तो I का मतलब क्या है इनवर्स अगर आपको ऐसा मिल जाए साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे मतलब उसको यू लोगे और दूसरे को वी ठीक है अगर आपको एल मिलता है म待, मतलब लोग मिलता है अगर आपको दोनों चीजें मिल गई इनवर्स भी मिल गया और लोग भी मिल गया तब तो आप लोग को क्या दोगे वी और इसको क्या दोगे इनवर्स को पहले क्या दोगे यू मतलब यू इनवर्स को लोगे ठीक है क्योंकि आई पहले आ रहा है उसके बाद एल आ रहा, रहा है तो लोग मतलब लोग ए लोग बी कुछ भी मिल सकता है उसके बाद तीसरा देखो एलजब्रा एल्जब्रा मतलब आपको रूट एक्स मिल जाए एक्स स्क्वायर मिल जाए एक्स की पावर फोर मिल जाए एल्जब्रिक इक्वेशन जब आपको मिल जाती है एल्जब्रिक टर्म आपको मिल जाती है ठीक है तो तीसरा तीसरे नंबर पे उसका नंबर आएगा फिर आई एल और फिर ए देखो आई हो गया पहला उसके बाद फिर एल फिर उसके बाद तीसरा हो गया ए एक एल्जब्रिक हो गया फिर उसके बाद देखो फोर्थ फोर्थ क्या है आपका टी टी मतलब टिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कोस् थीटा कुछ भी आपको मिलता है ऐसा आपको मिलता है देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ भी आपको मिलता है टिग्नोमेट्रिक कुछ मिलता है तो उसको फिर आ, फिर उसका नंबर आएगा यू पहले आ, मतलब ये चारों अगर मिलती है तब तो फिर आ, कहना ही क्या है फिर आप समझ सकते हो कि फोर्थ नंबर पे इसका नंबर आने वाला है और फिर ई हो जाता है एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में अगर कुछ मिल जाएगा जैसे ई की पावर एक्स e की पावर फाइव एक्स ऐसा कुछ अगर आपको मिल जाता है तो एक्सपोनेंशियल के अंदर उसको आप काउंट करेंगे ठीक है अब थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें देखो आना चाहिए? देखो क्या था था उसमें अब ये क्योंकि एक्स किस में आ गया एक्स की पावर वन एक तरह से क्या एक्स की पावर वन ही तो है तो ये आ गया एल्ज्रा में तो पहले मैंने एल्जब्रा को लिया था यू और साइन को क्या लिया था वी ऐसा किया था हमने अगर यहाँ पे होता है एक्स डॉट कोस एक्स तब भी हम इसको यू लेते और कोस को क्या लेते वी लेते लेकिन अगर यहाँ पे होता है e ई की पावर एक्स अगर यहाँ पे होता है ई e की पावर एक्स तो फिर मेरा होता देखो यहाँ पे अगर मैं लिख देता ई e की पावर एक्स तो यहाँ पे इसको मैं लेता वी और इसको मैं फिर क्या लेता एक्स क्योंकि मेरा जो टिक्नोमेट्रिक है वो एक्सपोनेंशियल से पहले आता है तो ई e की पावर एक्स को तो वी लिया जाता और साइन एक्स को एक्स लेता आप आई होप इस बात को समझ पाए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये आपको हेल्प करेगा ऐसी सिचुएसन जब आएंगी और ना केवल इलेवंथ में देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आपको ट्वेल्थ में भी काम आएगा मैंने पहले ही कहा आपके चार पाँच चैप्टर हैं वो कम्प्लीट इंटीग्रेशन पर बेस्ड हैं एक कुछ डिफ्रेंस है न, कुछ इंटीग्रेशन है यही आपकी ट्वेल्थ की मैथ है तो स्क्रीन ले लो फिर आता है देखो डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए देखो यहाँ पे आपको दे दिया कोर्स 5x डॉट डी एक्स और आपको बोला इसका इंटीग्रेशन आप करके बताओ कैसे करोगे देखो यहां पे इसको क्या मान लो पूरे को आप कोस एक्स मान लो क्या मान लो कोस एक्स अब ये फाइव सेवन टू यहां कुछ भी हो सकता है देख के घबराना नहीं है इसको पूरे को कोश एक्स मान लो जैसे कोस एक्स का करते हो वैसे ही करना है कोश एक्स का क्या होता है कोश एक्स का होता है देखो साइन एक्स तो साइन फाइव एक्स यह आपके पास आ जाएगा और प्लस सी ये आ जाएगा साथ में देखो जो फाइव एक्स यहां पे देखो कितना था फाइव था उसको अपोन में और उसका डिफरेंशिएशन करके राइट डाउन कर देना है आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया अब इसके अपोन में जो इसको आपने एक्स माना था उसका डिफरेंशिएशन करके राइट डाउन कर दो आई होप आप समझ पा रहे हो फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई फाइव का तो फाइव ही रहता है और एक्स का हो जाता है वन तो आ, क्या हो जाएगा ओनली फाइव तो यहाँ पर आ जाएगा अपोन में फाइव ये हो गया इसका इंटीग्रेशन तो अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है ऐसी सिचुएशंस तब आपको पहले तो इसका क्या कर देना है आ, इसका इंटीग्रेशन कर देना है और उसके बाद में आ, जिसको आपने एक्स मानना था जैसे इसको 5X को आपने मानना था तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके इसके अपॉन में राइट डाउन कर देना है ठीक है और एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है पहला एग्जाम्पल हो गया दूसरा ले, ले लेते हैं मान लो मिल गया कोस कोस एक्स की पावर थ्री प्लस टू ऐसा मिल गया ठीक है डॉट डी एक्स ठीक है तो पहले तो इसको कोस एक्स की तरह से ट्रीट करोगे आप तो कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स तो लिख दो साइन एक्स की पावर थ्री और प्लस टू जैसा है वैसा का वैसा और अपोन में क्या लिखोगे एक्स की पावर थ्री प्लस टू जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफ्रेंशिएसन करके लिख दो तो एक्स की पावर थ्री प्लस टू इसका डिफ्रेंशिएसन क्या होता है भाई डी एक्स डी वाई अपोन डी एक्स निकालना है ना इसका तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू का जीरो तो ये थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो इसको लिख दो अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा c इस तरह से राइट डाउन करते हैं और एक आध एग्जाम्पल आप चाहते हो तो ले सकते हो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल साइन के लिए ले लेते हैं अगर यहाँ पे दिया हो e की पावर x e की पावर अगर दे देते हैं e की पावर फाइव एक्स और डॉट डी एक्स इसके लिए आपको निकालना हो तो पहले तो इसको e की पावर x की तरह से ही ट्रीट करो तो क्या होगा देखो e की पावर फाइव एक्स और फिर फाइव एक्स का करोगे तो नीचे फाइव आ जाएगा और प्लस सी ठीक है आई होप समझ गए हो गए आप स्क्रीन शॉट ले लो फिर इसका देखो एक और टाइप है आपके पास सब्सटीट्यूशन फॉर्म सब्सटीट्यूशन फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है देखो कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मिलता है देखो x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स ऐसा आपको मिल गया है ठीक है इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो अब आप इसको देख करके क्या सोच रहे हो यू अपोन वी यू अपोन वी मैथड यहाँ पे काम नहीं करेगा ठीक है ना और एक चीज और आप समझ लो कि जो जिन हो सकता है कि सभी का आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो कोई भी टर्म आपको दे दी जाए और उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पर ऐसी कई सारी टर्म्स होती हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है ठीक है सभी का डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है पर सभी का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो x अपोन वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है तो इसके लिए क्या करेंगे एक टर्म को हमें t मानना पड़ेगा t या u या v आप कुछ भी मान सकते हो तो यहां पे वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना t वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t फिर आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका इसका dt टी अपन डी एक्स निकालना पड़ेगा तो ये हमने निकाला डी टी अपोन डी एक्स इसको चाहे तुम y मान लो तो इसका निकाल लो dy वाई अपोन डी एक्स ठीक है ना इसको हम y मान लेते हैं चलो इसको हमने वाई माना तो हमने क्या किया इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा देखो वही सेम करना है आपका तो वन का तो हो जाएगा जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स होता है ठीक है अब इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है देखो डी वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ये डी वाई इक्वल्स टू लिखा जा सकता है यहाँ से टू एक्स डॉट डी एक्स ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मैं इसको क्या लिख देता हूँ इस पूरी टर्म को देखो टू एक्स डॉट डी एक्स यहाँ देखो तो एक्स डॉट डी एक्स मेरा किसके इक्वल है तो इसके अपोन में टू कर दूँ तो एक्स डॉट डी एक्स डी वाई अपोन टू के इक्वल है ठीक है ना अब देखो एक्स डॉट डीएक्स मेरा किसके बराबर आ चुका है डीवाई अपोन टू के बराबर आ चुका है तो लिखेंगे इसको पुट करेंगे देखो तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स डॉट डी एक्स देखो एक्स डॉट डीएक्स तो हमने इसको लिख दिया डी वाई अपोन

मतलब वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स इसके लिए क्या होता है इसके लिए होता है लोग e और x प्लस सी ये होता है हमारा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो ऐसे ही यहाँ पे वन अपॉन वाई डॉट डी वाई का क्या होगा लोग वाई हो जाएगा तो वन अपॉन टू तो बाहर है और ये आ जाएगा आपका लोग y और प्लस सी तो वन अपॉन टू लोग वाई प्लस सी और ये मोड होगा इसका ठीक है यहाँ पे भी इसका मोड होता है फॉर्मूले में ठीक तो ये हमारे पास आंसर है वाई की वैल्यू क्या है उसको उठा के दोबारा से पुट कर दो देखो वाई हमने किसके इक्वल लिया था वन प्लस के तो यहां पे हम क्या लिख देंगे ई और वन प्लस एक्स स्क्वायर मोड है ना इसका तो ये हो गया मोड और प्लस सी ये हमारा आंसर है ठीक आपको समझ में आया सब्सिट्यूशन के अंदर हमने क्या किया हमारे पास जो टर्म दी गई थी उसमें से एक टर्म को हमने वाई मान लिया आप टी मान सकते हो वाई मान सकते हो जैसा आपको स्कूल में पढ़ाया गया है कोई दिक्कत नहीं तो देखो यहाँ पे आपने वाई मान लिया इसको फिर उसके बाद आपने डी वाई अपोन टू वाई ये कैसे आया क्योंकि हमने इस इस टर्म को क्या किया इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया हमने इसका डिफ्रेंशिएसन किया ना कि इंटीग्रेशन ठीक है तो इसका डिफ्रेंशिएसन किया हमारे पास टू एक्स आया डी वाई अपोन टू इक्वल्स टू एक्स डॉट डी एक्स आ गया एक्चुअल में ये डिफ्रेंशिएसन हमने इसीलिए किया कि हमें एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू मिल जाए फिर हमने एक्स डॉट डी एक्स को डी वाई बाई टू जो था सेम टू सेम रख दिया वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल था वाई के जो हमने एज्यूम किया था अपॉन वाई रखा और उसके बाद देखो यहाँ पे हमने सोल्व कर दिया लास्ट में हमारे पास यहाँ वाई आया था तो वाई को हमने उठा के पहले वाला रख दिया जो जो है जिसको हमने एज्यूम किया था तो आ, बोलेंगे सर एजूम ही क्यों किया था क्योंकि वैसे इसको हम सोल्व नहीं कर पाते इस मेथड से हमने इसको सोल्व कर दिया तो सब्सटन फॉर्म ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये आपके दोनों बहुत बड़े टॉपिक्स हैं तो डिफ्रेंसिएसन हमने पिछले वीडियो में कवर किया था जितना हमें रिक्वायर्ड है कंप्लीट नहीं और इंटीग्रेशन आज के वीडियो में हमने कवर किया जितना हमें हमारी इलेवंथ फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है बीच में कोई टॉपिक आएगा तो उसको हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे वहीं पे ऑन द स्पॉट समझेंगे और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन उसको हम कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे जो आज हमने पढ़ा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें क्योंकि इस चैनल पर इलेवंथ फिजिक्स ट्वेल्थ फिजिक्स कंप्लीट हम एक्सप्लोर करेंगे और वो कंप्लीट होने के बाद कुछ और भी डेफिनेटली निश्चित रूप से आएगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे